हेलो एवरीवन, आई एम रिधिरन, योर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, पर ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का। एक वीडियो मैंने अभी बनाया था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट से कल एक हियरिंग है जहाँ पर बोला जाएगा, कुछ डिसीजन आ सकता है। पर कल जो हियरिंग था उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है। कब होगा आपका नेक्स्ट हियरिंग और वहाँ पर क्या क्या हमको पता चलेगा, कौन कर रहा है नया हियरिंग, क्या क्या किस बेसिस पर किया जाएगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो का अंत तक देखते रहिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Hearing on the matter of examination of final year students of undergraduate and postgraduate will be heard in the Supreme Court on Monday. मतलब ये हेडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे हिंदी में आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई हिंदी हो सकता है पढ़ ना पाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी मंडे मतलब 27 तारीख को, 27 जुलाई को हियरिंग आएगा, जिसके ऊपर आप बोल सकते हैं जिसके लिए एक्चुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इतना वेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोला गया है चलिए वन बाय वन जान लेते हैं। द हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड बेंच ऑन द ऑर्डर ऑफ द UGC टू कंपल्सरीली टेक द एग्जाम ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। Now the matter will be heard on Monday in Justice Bhushan's bench. The bench is already hearing two other petitions related to this issue. मतलब ऐसे ही जो आप बोल सकते हैं, एक्चुअली ये जो इशू अभी गया है आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ये आप बोल सकते हैं 31 जो स्टूडेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डजन ऑफ स्टेट से, आप बोल सकते हैं कर्नाटका हो गया, आप बोल सकते हैं आप बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंप्लेन किए थे जिसके गाइडलाइन के विरुद्ध। तो वहां पे एक आप बोल सकते हैं इसके लिए ही एक केस चल रहा था UGC में, जो वो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, पर इसको अभी 27 तारीख मतलब मंडे शिफ्ट कर दिया गया है। मंडे आपको बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, और UGC से क्या डिसीजन चेंज किया जाएगा। तो मंडे के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, 27 जुलाई तक अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ये क्लियरली बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। सेकेंड जो बेंच है इसका हेड है जस्टिस भूषण, उनकी बेंच पे ये भेजा गया है, और वहाँ पे ऐसे और भी पेटिशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स फाइल्ड किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे ना सिर्फ एक पेटिशन के ऊपर काम हो रहा है, ऐसे और भी आप बोल सकते हैं पेटिशन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे द बेंच इज ऑलरेडी हियरिंग टू अदर पेटिशन्स रिलेटेड टू दिस इशू। तो जो बेंच इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये भी दे दिया गया है। हम लोगों को लगता है जहाँ पे इतना इम्पेक्ट पड़ रहा है, इतना पेटिशन साइन हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन हम लोगों का 27 आप बोल सकते हैं जुलाई को ज़रूरी मिलेगा। तो हम लोग वेट करेंगे और भी दो दिन, देखते हैं अब मंडे को क्या रिजल्ट आता है। तो वीडियो मुझे लगा कि डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऑल इंडिया बेसिस पे हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।